अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। ईरान में खुमैनी इनकलाब के बाद क्या ईरान एक दफ़ा फिर किसी नए इनकलाब की तरफ जा रहा है? एक स्टूडेंट महसा अमीनी के इखलाकी पुलिस के मर्डर के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ईरान में इस वक्त मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ले लें, CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़, TRT वर्ल्ड समेत ईरान का अपना मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इसको ज़बरदस्त अंदाज में कवर कर रहा है। वजह यह है कि लोगों का ये कहना है कि हिजाब की वजह से इनको कत्ल कर दिया गया, जबकि ये कोई कानूनी तौर पे ये बनता नहीं था। अगर उन्होंने हिजाब नहीं पहना था तो आप उनको तंबीह कर सकते थे, छोड़ सकते थे। तो बहरहाल उनके कत्ल के बाद, उनके मर्डर के बाद सूरत हाल ईरान में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर इनकलाब ईरान की बात करें तो इसमें कुछ सवालात उठते हैं। खुमैनी साहब 1960 की दहाई में ईरान से चले गए थे और वो फ्रांस में जाकर उन्होंने सकूनत इख्तियार की थी और अपनी आडियो और अपने खिताबात से उन्होंने ईरानी कौम में एक इनकलाब बरपा किया और ईरान को एक जो ज़ाहिर शाह की बादशाहत थी उससे निजात दिलाई और ईरान के सबसे बड़े लीडर बने। और जब फ्रांस से वो ईरान तशरीफ़ लाए इनकलाब ईरान के बाद तो उनका इस्तकबाल ईरान में हुआ। उस वक्त एक पुलिस थी जो बनाई गई थी, एक फ़ोर्स बनाई गई थी जिसका नाम इखलाकी पुलिस रखा गया था। इन मुजाहरों के बाद पहली दफ़ा तारीख में ये देखा गया है कि ईरान की वो इखलाकी पुलिस को ख़त्म कर दिया गया है और अब ईरान एक नए इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। अगर 80 की दहाई में अगर आप मुवाजना करें ईरान का और आज के ईरान में, तो ये क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है? इनकलाब ईरान की अगर आप बात करें तो आयतुल्ला खुमैनी साहब जब फ्रांस में मौजूद थे तो फ्रांस और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन आप ये देखें कि अमेरिका क्या फ्रांस से नहीं कह सकता था कि आप खुमैनी को वहाँ से निकालो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी होती है कि जिसका कभी ना कभी इसका इतलाक़ होता रहता है और मुल्कों की पॉलिसी उनके मफादात पर चलती है। जब वो ईरान में तशरीफ़ लाए तो इनकलाब की बुनियाद रख दी गई थी और शाह ईरान की फोर्सेस को ज़ेर कर लिया गया था और ये भी देखा गया कि तेहरान के अंदर अमेरिकन कौंसलेट को घेर लिया गया। क्या अब जो हो रहा है और जो उस वक्त हुआ, क्या ये रिजीम चेंज ऑपरेशन है जो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अमेरिका ने हटाई और पाकिस्तान में उनके सहूलतकारों ने इस हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को हटाने में किरदार अदा किया, क्या यह रिजीम चेंज ऑपरेशन अब पाकिस्तान के बाद ईरान की तरफ फैल गया है? क्या ईरान की जो सबसे बड़े साइंसदान है, जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंसदान जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इसी तरह ईरान के एक एटमी साइंसदान थे जिनका मिस्टीरियस मर्डर हुआ, जिसका पता नहीं चला कि गोली कहां से आई, जिसमें ईरान की सोर्सेस ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल की जो मोसाद है उसने ये कत्ल कराया, लेकिन बहरहाल उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन वो आज तक इतने बड़े साइंसदान जिसको सदर और वज़ीर आज़म की तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो अपने बड़े एटमी साइंसदान को नहीं बचा सके। वजह क्या थी? उनके मुल्कों में ईरान जिस कहते हैं कि इसराइल या अमेरिका के सहूलतकार मौजूद थे। अब क्या ईरान में सहूलतकार मौजूद हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के जिस तरह पाकिस्तान में थे, क्या ईरान में भी रिजीम चेंज ऑपरेशन होने जा रहा है? अगर आप ये देखें तो ईरान के जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई, उनकी भांजी जो हैं फरीदा मोरद खानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने इस ऑपरेशन और जो मुजाहिरे में हुकूमती फोर्सेस ने जो वहाँ तशद्दुद किया है उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, इसकी वजह से उनको भी आयतुल्ला खामनेई की भांजी फरीदा अल मुर्कदानी को अरेस्ट कर लिया गया है। ईरान एक नए टर्मोइल की तरफ जा रहा है। क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज़ पाकिस्तान के बाद ईरान से हो गया है और ये मुजाहरे कब तक चलते हैं और इसका अख्तिताम कब तक होता है, ये अब देखते हैं कि क्या होगा। अब हमारी इस खुसूसी रिपोर्ट के साथ और आज की बात वसीम के साथ मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहें, सबको खुश रखें, अल्लाह निगेबान।